तो गाइस आज सुबह सुबह मुझे लिटिल सिंघम का कॉल आया और गाइस फोन पे कीको भी बोल रहा था। वो लोग बोल रहे थे कि मुझे रैम चैलेंज करने के लिए यहाँ पे आना है और वो भी अपनी सबसे ज्यादा खतरनाक कार लेके। तो गाइस मैं पहुंच चुका हूँ रैम चैलेंज करने के लिए, वो भी अपनी सबसे ज्यादा खतरनाक कार लेके। और यार फ्रैंकलिन तुम आ गए। अरे यार वेनम पुल नहीं नहीं, अभी बस मैं अपने घर से निकलने ही वाला हूँ। अरे यार फ्रैंकलिन क्यों मजाक कर रहे हो? अरे जब तुम्हें दिख रहा है कि मैं यहाँ पे आ गया हूँ तो मैं आ ही गया हूँ ना। ओ यार हाँ, वैसे फ्रैंकलिन सही बोल रहा है। आ अरे यार पुलिस की वर्दी शेर कदम, तो तुम लोगों का स्वागत है मेरे और कीको के बनाए हुए रैम चैलेंज में। अरे अच्छा, तो ये रैम चैलेंज तुमने ही बनाया है? अरे यार हाँ, ये रैम चैलेंज मैंने और कीको ने बड़ी मेहनत करके बनाया है। इस रैम चैलेंज को बनाने में हमारा बहुत सारा पैसा बर्बाद हो गया और हमने यहाँ पे बहुत ज्यादा खतरनाक प्राइस भी रखा है। अरे क्या क्या है प्राइस? अरे यार वो तो हम तुम्हें बाद में बताएंगे, पहले हम लोग तुम्हें रैम दिखा देते हैं। पर तुम सब लोग अपनी सबसे ज्यादा खतरनाक वाली गाड़ी ही लेके आए हो ना? अरे सबका पता नहीं, पर मैं तो अपनी सबसे ज्यादा खतरनाक वाली गाड़ी ही लेके आया हूँ। ओ यार हाँ, मैं भी बहुत ज्यादा खतरनाक गाड़ी लेके आया हूँ। अरे यार हाँ, मैं और डेडपूल भी। अरे यार तो फिर ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पे अपनी गाड़ी को जम करवा के यहाँ पे लैंड करवाना है और यहाँ पे आग को पार करते हुए और इन बोर्ड्स को तोड़ते हुए यहाँ पे आना है। फिर तुम्हें एक बहुत ज्यादा खतरनाक जंप लगानी है, फिर तुम्हें इन सबको पार करके इस पतले से रैम से होते हुए जाना है। यहाँ पे तुम लोगों को बैलेंस की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। अरे यार हाँ, कीको ने बिल्कुल ठीक बोला, मुझे नहीं लगता किसी की भी गाड़ी यहाँ से निकल पाएगी। अरे यार हाँ कीको, मुझे भी नहीं लगता यहाँ से किसी की गाड़ी निकल पाएगी। और ये देखो एंड में ये है तुम लोगों का प्राइस, यहाँ पे बहुत सारी बैटमैन की कार्स हैं और पूरे 200 करोड़ रुपए हैं। अबे यार कसम मेरे मरीजों की, ये 200 करोड़ रुपए और सारी बैटमैन की कार तो मेरी ही होगी। उड़ी बाबा, डॉक्टर झटका, हमको रैम चैलेंज करने का 20 साल का तजुर्बा है, हमको गाड़ी चलाने दो। अबे यार घसीटे तू चुपचाप बैठा रहे, यहाँ पे गाड़ी तेरा भाई चलाएगा। उड़ी बाबा डॉक्टर झटका ठीक है, पर तुम यहाँ पे फ्लाइंग कार क्यों नहीं लेके आया? अबे यार मुझे नहीं पता था प्राइस में हमें इतना सब कुछ मिलने वाला है, वरना मैं फ्लाइंग कार ही लेके आता। अरे यार अगर तुम फ्लाइंग कार लेके भी आते तो हम तुमको चलाने नहीं देते। अरे हाँ बिल्कुल सही बात है गाइस, अगर इनके पास में फ्लाइंग कार होती तो ये रैम चैलेंज करते ही नहीं, अपनी कार को रैम के ऊपर छोड़ा के ले जाते। अब यार अभी भी मैं यही करने वाला हूँ, तुम लोग मेरी जंप देखना। अरे हाँ हाँ दिखाओ दिखाओ। अब यार ये फ्रैंकलिन कुछ ज्यादा ही बोल रहा है ये ले। अरे गाइस ये क्या, डॉक्टर झटका ने मुझे ठोक दिया। अब यार फ्रैंकलिन सॉरी, मैं तो तेरे बगल से निकलना चाहता था। उड़ी बाबा डॉक्टर झटका तुमने जानबूझकर ठोका है। अब यार तू मेरी साइड है कि उसकी साइड है? उड़ी बाबा हम किसी की साइड नहीं है, हमको बस यहाँ पर रैम चैलेंज जीतना है और 200 करोड़ रुपए लेना है। अब यार घसूटे एक बात बता, पैसा तो हम दोनों में बराबर बटेगा, तो 200 करोड़ रुपए तू कैसे ले जाएगा? उड़ी पापा वहाँ पे गाड़ियाँ भी तो है ना, हम गाड़ियों को बेच के और 100 करोड़ रुपए कमा लेगा। अब यार ये बात भी ठीक है, वो तो चलो 200 करोड़ हमारे हो गए। अरे दोस्तों इन्होंने तो प्लानिंग भी बना ली गाड़ियों को बेचने की। अब यार ये क्या हो गया? और यार हम तो रैम से गिर गए। अरे बहुत अच्छा हुआ तुम्हारे साथ में। तो दोस्तों यहाँ पर डॉक्टर झटका और घसीटा राम हार चुके हैं। उड़ी पापा हम दोबारा से ट्राई करेगा। अरे यार प्लीज की वर्दी शेर कदम, अब तुम ट्राई नहीं कर सकते। अरे हाँ गाइस, तो गाइस यहाँ पर डॉक्टर झटका और घसीटा राम तो हार ही गए, अब बताओ कि डॉक्टर झटका और घसीटा राम के बाद में कौन जाने वाला है? अरे अपने बड़े भैया के बाद में जाएगा मोटू। अरे हाँ अभी मैं और मोटू जाने वाले हैं। अरे तो फिर ठीक है, तो गाइस अभी जा रहे हैं मोटू और पतलू, और गाइस देखते हैं क्या ये इस रैम को पार कर पाएंगे। अरे गाइस ये क्या, यहाँ पे मोटू और पतलू ने काफी ज्यादा अच्छी जंप लगाई है। अरे बड़े भैया हाँ, हम तो बहुत ही ज्यादा अच्छी जंप हमेशा ही लगाते हैं। अरे हाँ चलो देखते हैं कि गाइस ये जंप लगा लगा के रैम को पार कर पाते हैं कि नहीं। अरे यार मुझे नहीं लगता। अरे यार हाँ लिटिल सिंघम, मुझे भी नहीं लगता। ओ यार क्या नहीं लगता तुम लोगों को? ओ यार मुझे भी तो कोई बताओ। आ अरे यार जैक मुझे नहीं लगता कि ये लोग रैम को पार कर पाएंगे। अरे बड़े भैया अच्छा ऐसी बात है, अब तो हम लोग रैम को पार करके ही दिखाएंगे। अरे हाँ मोटू, अरे मोटू ये क्या कर रहे हो तुम? अरे बड़े भैया तुम चिंता मत करो। अरे बड़े ये क्या हो गया? अरे मोटू तुमने तो हमें नीचे गिरा दिया। अरे बड़े भैया हाँ, हम तो यहाँ पर डॉक्टर झटका और घसीटा राम के पास में आ गए। अबे यार तूने हमको समझ के रखा है। अबे अबे यार ये क्या? अबे यार दोस्तों इसने मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। ओए मोटू के बच्चे बाहर निकल। अरे बड़े भैया क्या हो गया? ओए ये ले। अरे बड़े भैया मुझे मारते हो, आज तो मैं समोसे खा के आया हूँ, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अबे यार कसम मेरे मरीजों की, तूने तो मुझे ही मरीज बना दिया। अरे हाँ मोटू और पीटर्स को। उड़ी बाबा डॉक्टर झटका को छोड़ दो।
अरे बड़े अच्छा लगता है, तुम्हें भी पीटना पड़ेगा। उड़ी पापा, नहीं नहीं, हम कुछ नहीं बोल रहा है। ओ यार अब जाएगा जैक द फौजी, मैं अपने पापा जी की सबसे ज्यादा मॉडिफाइड वाली गाड़ी लेके आया हूँ, ये देखो। अरे दोस्तों ये क्या, ये तो दो दो गाड़ियाँ है। ओ यार ये दो दो गाड़ियाँ नहीं है, ये एक ही गाड़ियाँ है, पर यहाँ पे एक ही गाड़ी में दो दो गाड़ियाँ जुड़ रही है। अरे अच्छा। ओ यार हाँ, और यहाँ पे दो दो बूस्ट भी है, अगर यहाँ पे एक गाड़ी खराब होती है ओए तो फिर यहाँ पे मेरे पास में एक और गाड़ी है। आ ए भैया आप तो एकदम कमाल हो। ओ यार हाँ, और मैं बेमिसाल भी हूँ। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इतनी खतरनाक वाली जंप लगा दी, एक और जंप लगानी है मुझे, इसको भी लगा दूंगा, ये देखो। ए भैया क्या कर रहे हो। ओ यार मुन्ना मैं क्या कर रहा हूँ, रैम को पार कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर रहा। ए भैया गाड़ी को सीधा करो। ओ यार मुन्ना यहाँ पे दो दो गाड़ियाँ जुड़ी हुई है ना, तो इनको कंट्रोल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है, पर चल कोई बात नहीं, आज का रैम तो हम दोनों ही जीतेंगे। अरे हाँ देखते हैं देखते हैं। वैसे गाइस इनकी गाड़ियों में दो दो बूस्ट हैं, वो भी गाइस इतने बड़े बड़े, मुझे लगता है गाइस ये लोग जीत सकते हैं। ओ यार जीत सकते हैं क्या, हम लोग ही जीतेंगे। ओ यार ये क्या, ओ यार दोस्तों ये क्या हो गया। ओ यार मैं तो प्राइस में जाके ठुक गया। ओ यार फ्रैंकलिन में जीत गया क्या। अरे तुमने रैम थोड़ी ना पार किया है, तुम तो यहाँ पर प्राइस के पास में पहुँच गए हो। ओए तो फिर मेरा ही हो गया ना प्राइस। अरे पागल हो गए हो क्या, तुम्हें यहाँ पर रैम चैलेंज पूरा करना था। अरे यार फ्रैंकलिन, रैम को पूरा करने के बाद हमको बैटमैन की कार्स मिलने वाली हैं और 200 करोड़ रुपए भी मिलने वाले हैं। अरे वेनमपुल तुमने बिल्कुल ठीक बोला, पर ये गाड़ी कौन सी है। अरे यार ये भी बैटमैन की ही कार है, बैटमैन की कार को जीतने के लिए मैं एक और किस्म की बैटमैन की कार ही लेके आ गया हूँ, बैटमैन से मांग के। अरे अच्छा। अरे यार हाँ ये कार इस रैम को जरूर पार करेगी। अरे चलो देखते हैं। वैसे गाइस ये बहुत ज्यादा खतरनाक वाली कार लेके आ गया है, मुझे भी गाइस ऐसा ही लग रहा है कि ये रैम को पार कर सकती है। और गाइस ये देखिए इन लोगों ने कितनी ज्यादा खतरनाक वाली जंप लगाई है। और यार फ्रैंकलिन ये तो कुछ भी नहीं, आगे पता नहीं हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, क्यों डेडपूल। और यार भैया आपने बिल्कुल ठीक बोला। और यार हाँ मैं तो हमेशा ठीक ही बोलता हूँ, तो चलो हम लोग यहाँ पे तो आ गए हैं, अभी हम लोगों को आगे भी जाना है जहाँ पे बहुत ज्यादा पतला रास्ता है। और यार भैया हम लोग यहाँ से कैसे निकलेंगे। अरे हाँ यहाँ से तुम लोग कैसे निकलोगे। अरे यार मुझे नहीं लगता ये लोग यहाँ से निकल पाएंगे। अरे दोस्तों ये क्या, अरे दोस्तों ये तो बहुत ज्यादा आगे निकल गए। अरे यार ये क्या हो गया, लगता है बैटमैन की गाड़ी में बूस्ट बहुत ज्यादा खतरनाक है। अरे हाँ दोस्तों हम लोग यहाँ पे पीछे देख सकते हैं कि इनकी गाड़ी में कितना ज्यादा खतरनाक बूस्ट है। दोस्तों सच में इनकी गाड़ी काफी ज्यादा कमाल की है, बट गाइस इनको चलाना ही नहीं आया इनकी गाड़ी को। खैर गाइस अभी छोड़ते हैं, तो गाइस अभी जाने वाला हूँ मैं। और यार प्लीज की वल्दी शेर कदम, मैं और की को भी तुम्हारे साथ ही आएंगे, क्योंकि हमारे पास में और कोई कार भी नहीं है। अरे ठीक है तुम लोग मेरे साथ में ही आ जाओ। और यार हाँ हम लोग आ गए। अरे हाँ अभी एकदम फुल स्पीड में जंप कराना। अरे तुम लोगों को मेरी कार की स्पेशलिटी नहीं पता क्या, इस वाली कार की स्पेशलिटी ही जंप करना है। और गाइस ये देखो इसके पास में कितना ज्यादा खतरनाक वाला बूस्ट है। अरे यार ये क्या, तुम तो रैंप पे गए नहीं। अरे मैं तुमको बूस्ट दिखाना चाहता था, तो कैसा लगा तुम लोगों को मेरी कार का बूस्ट। अरे यार फ्रैंकलिन मैं तुमको सच बताऊंगा, ऐसा बूस्ट तो मैंने कहीं पे नहीं देखा। अरे तुमने ऐसी जंप करने वाली कार भी कहीं नहीं देखी होगी, ये मैंने खास स्पेशल मंगाई है। अरे यार कहाँ से मंगाई है तुमने। अरे मैंने साइमन को ऑर्डर देके मंगाई थी, इस वाली कार के ऊपर 1.5 साल की वेटिंग थी। अरे यार क्या 1.5 साल की वेटिंग। अरे यार 1.5 साल तो बहुत होते हैं। अरे हाँ ये वाली कार मैंने 1.5 साल पहले ऑर्डर की थी, अब जाके ये मुझे मिली है। और यार ये तो फिर बहुत ज्यादा खतरनाक है। अरे लिटिल सिंगम ये कार खतरनाक से भी ज्यादा खतरनाक है, अभी तुम लोगों को पता चलेगा। अरे यार अच्छा। अरे यार हाँ अभी तुम लोगों ने इसकी असली पावर देखी नहीं है। अरे यार तो तुम हमें दिखाओ ना इसकी असली पावर। अरे अगर मैंने तुम्हें इसकी असली पावर दिखा दी ना, तो मैं वेनम पुल से भी ज्यादा दूर चला जाऊंगा। अरे यार अच्छा तो फिर हमें पावर मत दिखाओ, हम लोगों को ये वाला रैम जीतना है। अरे वैसे ये वाला रैम तुमने ही हमें दिया था। अरे यार तो हम लोग अपना पैसा खोना नहीं चाहते। अरे यार क्या, ये पैसा हम लोगों में बटेगा नहीं, ये सारा का सारा पैसा मेरा ही होगा अगर मैंने रैम को जीत लिया तो। और यार हम भी तुम्हारे साथ में रैम चैलेंज कर रहे हैं, अपनी जान को भी खतरे में डाल रहे हैं, हमारा भी पैसा होना चाहिए। अरे यार हाँ हमारा पैसा क्यों नहीं होगा। अरे दोस्तों ये लोग भी ना यहाँ पे गाइस गाड़ियां मैं चला रहा हूँ, सारे काम मैं कर रहा हूँ, और गाइस हिस्सा इनको चाहिए पैसों के लिए। गाइस ये लोग तो सिर्फ यहाँ पे खड़े ही तो हैं। और यार हम लोग तुम्हारी कंपनी दे रहे हैं, एक काम करो फ्रैंकलिन जंप करवाओ। अरे हाँ ठीक है। अरे यार देखा ना हमने तुम्हारी गाड़ी कैसे निकलवा दी। अरे वो तो मुझे भी पता है कि मैं जंप मार सकता था, वो तो मैं वैसे ही ट्राई कर रहा था कि ऐसे ही निकल जाए। और यार अच्छा यहाँ पे थोड़ा आराम से लेना। अरे हाँ ठीक है। और यार फ्रैंकलिन अभी थोड़ा लेफ्ट ले लो। अरे ठीक है अभी क्या मुझे यहाँ से डायरेक्ट कूदाना है।
अरे यार हाँ, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट ही कोदाना है। अरे तो ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे लगता है मैंने रैम चैलेंज को पूरा कर लिया। और यार हाँ फ्रैंकलिन, पूरे 200 करोड़ रुपए हमारे हो गए। अरे यार हाँ, और बैटमैन की इतनी सारी कार भी हमारी हो गई। और यार पुलिस की वर्दी शेर कदम, मजा ही आ गया। और यार अच्छा हुआ तुम लोग आ गए, चलो बांट लेते हैं हम लोग पैसों को। अरे क्या, अरे तुम लोग यहाँ पर थोड़े ना जीते हो जो हम लोग तुम्हारे साथ में पैसा बांटेंगे। और यार हमेशा हर एक चीज मिल बांट के करनी चाहिए। अरे हमें नहीं करना कुछ मिल बांट के, ये लो दोस्तों, ये लोग भी ना आ गए अपना हिस्सा मांगने के लिए। और यार फ्रैंकलिन, हिस्सा तो मैं लेके ही रहूंगा। अरे अच्छा, तो ये लो। अरे गाइस ये क्या, अरे गाइस मैंने इनकी गाड़ी में मिसाइल मारी और गाइस इन लोगों ने मेरी गाड़ी में मिसाइल मार दी। पर गाइस चलो कोई बात नहीं, आज तो गाइस मैं इतनी सारी बैट मोबाइल और 200 करोड़ रुपए जीत गया। अभी गाइस मुझे इन्हें बांटना भी है लिटिल सिंह अमर कीगो के साथ में। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।